हे गाइस, बात करेंगे ग्लैम कपल के बारे में, जो कि फिर एक बार अगेन उनके ऊपर न्यूज़ आ रही है कि वो सेपरेटेड हो रहे हैं और सेपरेटेड हो चुके हैं। बल्कि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे के व्लॉग्स में, अपने व्लॉग्स में एक दूसरे का नाम लेना भी ख़त्म कर दिया है। कहने इनके जो भी व्लॉग्स आ रहे हैं उसमें देख के लगता ही नहीं है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ की तरह जो है वो एक लाइफ गुजार कर, और अभी ये लोग दूर हैं एक दूसरे से, वो फील ही नहीं है। इस वजह से काफ़ी लोगों के यही है कि वो लोग फिर सेपरेट हो गए, क्योंकि लास्ट ईयर भी इनका यही हुआ था कि सेपरेट हो गए थे, और इसके बाद कुछ टाइम बाद 3 से 4 महीने बाद दोबारा इनको पैचअप की न्यूज़ आई थी, क्योंकि लोगों ने उनको साथ देखना शुरू कर दिया था। उसके बाद पैचअप की न्यूज़ आई थी कि ये पैचअप हो गया है, लेकिन ये अभी भी ऑडियंस के सामने झूठी है, अभी तक ऑडियंस के सामने क्लियर नहीं किया। देखो, आई एग्री कि शादी में ऐसे टाइम आते हैं जब खास करके शुरू की शादियाँ चल रही होती है, तब आपको अंडरस्टैंडिंग इशूज़ एक दूसरे के साथ बहुत होते हैं, और जब खास करके आप एक सोशल मीडिया लाइफ को ले रहे हो, एक सोशल मीडिया लाइफ के साथ गुजार रहे हो, जहां पर आपको इंतहा से ज्यादा अपने इमोशंस पे काबू रखना पड़ता है, क्योंकि आप गुस्सा हो, नाराज हो, आप वो चीज अपने ब्लॉग के अंदर नहीं दिखा सकते हो, तो इसीलिए वो फेकनेस जो है आपकी जिंदगी के अंदर बहुत क्रिटिसाइज पैदा करती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इनका जब पहले भी ब्रेकअप हुआ था, जो इनका सेपरेटेड टाइम चला था, उसका इन्होंने कोई मेन रीज़न तो नहीं दिया था, सिर्फ ये कहा था कि इश्यूज हुए हैं, ये हुआ है, वो हुआ है, लेकिन मेन जो रीज़न था ना, वो कहीं ना कहीं व्लॉगिंग रहा था। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि हिमांशी को जो है वो व्लॉगिंग नहीं करनी थी, उसको व्लॉगिंग लाइफ से थोड़ा सा दूर रहना था, और ऋषि की जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी ये कि मुझे व्लॉगिंग करनी है। लेकिन अब आप देख लो, अगर उसको व्लॉगिंग नहीं करनी थी तो हिमांशी ने व्लॉगिंग स्टॉप ही नहीं करी, जब वो उस टाइम भी सेपरेट हुई थी तब भी उसने व्लॉगिंग स्टॉप नहीं की, और अभी भी जब वो सेपरेट जो उसका सीन चल रहा है उसमें उसने व्लॉगिंग नहीं की है स्टॉप, क्योंकि व्लॉगिंग बहुत ज़्यादा इजी मनी है, उसको ये पता है। कंटेंट क्रिएशन में आपको ये होता है कि आपको मेहनत करनी पड़ती है, प्रोडक्ट परचेज करनी पड़ती है, फिर उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल, यूसेस, हर चीज़ एक कंप्लीट वीडियो बनानी होती है। व्लॉगिंग का तो ये कैमरा उठाया और शुरू, यही सीन है ना सारा, तो व्लॉगिंग ईजी है, तो वो वजह मुझे नहीं लगती कि वो व्लॉगिंग रही होगी, कि व्लॉगिंग की वजह से इनकी ज़िंदगी के अंदर प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन इनकी इश्यूज चले थे और बहुत लंबे चले थे, बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई थी। अब ये लड़ाई रियल थी या फेक, ये तो अब तक किसी को भी नहीं पता चली, क्योंकि कहना यही था कि बिग बॉस के टाइम पर इनकी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, बिग बॉस के टाइम पर नज़र में ये लोग आने के लिए ये सब काम करते हैं, ये पता नहीं क्यों है ये, लेकिन कपल्स के ऊपर बात की जाती है। अभी जो खुशी विवेक भी गायब है, उनका भी यही कहना है कि ये लोग बिग बॉस की वजह से गायब है, क्योंकि इनको बिग बॉस में जाना है, इसलिए ये हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि अब पता है जैसे ही बिग बॉस का टाइम नज़दीक हुआ ये आ गए साथ में, कि चलो अब इनको ये कि बिग बॉस अगर इनको अप्रोच करता है तो लोग इनको देखेंगे और इस शॉक में देखेंगे कि यार क्यों लड़ाई हुई थी, क्योंकि बिग बॉस के अंदर पता है डिस्कस हुई होगी, तो ये सोच भी काफी लोग रखते हैं जिसमें यही कमेंट होता है। अब ऋषि के इसमें, अगर ऋषि ने जो भी व्लॉग अपलोड किया ना, वहां पर उसकी अम्मी को लेकर बहुत ज्यादा कमेंट है, उसकी माँ को लेकर, कि ये माँ अपने बच्चे को अलग करवाकर, अपनी बहू से अलग करवाकर और खुद घूमने के लिए निकली है। देखो, जिंदगी कहीं रुकती नहीं है, ठीक है, किसी के लिए नहीं रुकती है, जिंदगियां नहीं रुकती। अब अगर उनका सेपरेशन चल रहा है तो ऐसा कहीं भी नहीं है कि वो घूमेंगे नहीं, फिरेंगे नहीं, घूमना फिरना तो हर किसी का चलता है, ठीक है, इसमें ये कहीं भी नहीं होता है कि यार इसकी फैमिली जा रही है घूमने के लिए, तो यकीनन ये ही गलत है। अभी इस दरमियान तो हिमांशु भी गई थी घूमने के लिए, हम सबको पता है, और कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में क्या हुआ, और वो पूछेंगे। अच्छा, एक मैंने कमेंट देखा जहाँ पर उसने पूछा है कि आप अगर सेपरेट हुए तो आप वजह क्यों नहीं बता रहे हो, और ये क्यों नहीं बता रहे हो कि आप सेपरेटेड हो भी, तो वहाँ पर नीचे कमेंट आया था तुमको क्या, तुम अपना घर देखो। भाई, वो सोशल मीडिया पर लाइफ दे रहे हैं अपनी, तो जो लाइफ में उनके मिसिंग रहेगा उस पर बात होगी, लोग पूछेंगे, तो उस पर फिर आप उन्हीं लोगों पर भड़क रहे हो कि तुम क्यों पूछ रहे हो, तो लोग तो पूछेंगे क्योंकि वो ये शो कर रहे हैं। अगर वो ये शो ना कर रहे होते, इनकी ज़िंदगी में अगर नहीं बताया होता हिमांशी और ऋषि एक पब्लिक फिगर ना होते और एक नॉर्मल ज़िंदगी में जी रहे होते, तो कौन पूछता है इनको। नहीं, पब्लिक फिगर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ पूरी पब्लिक की है, तो लोग पूछेंगे कि क्यों साथ नज़र नहीं आ रहे हो भाई, ना बता रहे हो, ना एक दूसरे का व्लॉग में जिक्र, उस पूरे व्लॉग में कहीं जिक्र नहीं है क्यूट्यू का, कहीं कुछ कोई जिक्र नहीं है, अपना व्लॉग में सिर्फ अपनी मौज मस्ती दिखाई गई है और अपनी ज़िंदगी दिखाई। अब बात करेंगे ऋषि के ऊपर कि क्या लगता है एज अ व्यूअर, हम जब इनको देखते हैं, इनके व्लॉग्स हमने देखे, तो उस वजह से क्या होता है वो हम बात करते हैं। देखो, ऋषि की नेचर ना, वो मुझे काफ़ी कंट्रोलिंग टाइप लगती है, यानी वो थोड़ा कंट्रोलिंग टाइप है, अपनी मनमानी चलाने वाला। और वहीं हिमांशी, देखो भाई, अपना सिंपल मैं एक बात बोलूँ, वो लड़की इंडिपेंडेंट है, तो वो बेवजह का कंट्रोलिंग नेचर क्यों बर्दाश्त करे। काफ़ी लोग बोलते हैं कि उसको उसके माँ बाप नहीं पसंद, इसलिए वो अलग हो जाती है बार बार। अब क्या सीन है, किसका सीन है, कौन गलत है, जो व्लॉग के अंदर शो होता है उसमें हिमांशी बहुत अच्छी शो होती है, और जो उसका नेचर है, थोड़ा सा ऋषि का नेचर है, वो थोड़ा सा ऋषि का नेचर कंट्रोलिंग टाइप इस तरीके का शो होता है, जो व्लॉग के अंदर शो होता है। बाकी बैक कमरा कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं है, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि व्लॉगिंग एक फेक लाइफ
बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, जो ब्लॉगर्स होते हैं वो अपनी फेक लाइफ को बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, यानी उनके बीच सब कुछ नहीं भी चल रहा होता लेकिन फिर भी वो ठीक होने का नाटक दिखाते हैं। और जब एक अचानक ब्लास्ट पड़ता है कि अब हम अलग हो रहे, तो लोग परेशान हो जाते हैं कि यार ये तो इतना खुश थे, ये अलग कैसे हो सकते। तो ये एक बैक रियलिटी है, ब्लैक रियलिटी है ब्लॉगर्स की, जो कि एक चेहरा है, जो कि समझते हैं ना कि ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत ओके होती है, नहीं होती। इनकी ज़िंदगी में भी अप एंड डाउन होते हैं, लड़ाई झगड़े इनकी ज़िंदगी में होते हैं, लेकिन उनको वो इमोशनल कंट्रोल करके और वो सामने आना पड़ता है। और वो क्या होता है, वो खालिश बढ़ती रहती है और एट दी एंड इस तरीके के सेपरेट होने के डिसीजन में जो है वो ख़त्म होती है। और यहाँ भी यही सीन है, अब इनका सेपरेट वाला सीन है। अब देखो, होप्स हो कि इनके दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन यही होगा कि ठीक होगा तो लोग यही बातें करेंगे कि हाँ देखो, इनको बिग बॉस में जाना था, इनका जो है बिग बॉस का टाइम निकला है, तो ये वापसी ठीक हो गए। तो यही होगा, अगर उस दफ़ा भी यही हुआ था, बिग बॉस का टाइम हुआ था तो ये सब ओके हो गया था, इनके दरमियान सब ऑल इज वेल, वही क्यूटी शूट। मैंने उस दफ़ा भी यही नोट किया था कि देखो, एक चीज़ तुम्हारी ख़राब हुई, अब ख़राब होने के बाद जब वो ठीक हुई है तो तुमने फिर वही मक्खन पॉलिश कर शुरू कर दिए, क्यूटू यही सब। तो अपने रिलेशन को रियल रखो, चाहे भले तुम व्लॉग में शो करो लेकिन रियल रखो। जितना रियल शो करोगे, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, और खास करके जब आप एक जिंदगी की नई शुरुआत करते हो तो वहां पर आपको अंडरस्टैंडिंग के बहुत सारे मसले होते हैं। अगर आप अपने रिश्तों को रियल रखोगे तो शायद आपके रिश्ता जो है वो लंबा चलेगा। भले लोगों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होगी कि यार देखो लड़ाई कर रहे हैं या जो भी इनका मूड ऑफ है, लेकिन रियल में ये होगा कि आप अपने रियल इमोशंस को नहीं दबाओगे और वो रियल इमोशंस सामने रहेंगे एक दूसरे के, तो आप लोग शायद थोड़ा सा अपने रिश्ते को और समझ सकोगे। और अगर जब आपकी ज़िंदगी में, मैं बोलती हूँ, अगर रिश्तों के अंदर व्लॉगिंग असर कर रही हो, तो कुछ दिन के लिए व्लॉगिंग को हटाकर कुछ और कंटेंट बना लो, ताकि आपको पता हो कि आपकी वो फेक लाइफ नहीं दिखानी पड़ेगी और आप अपने रिश्ते को टाइम दे रहे हो। इतना पैसा तो आप अर्न कर चुके हो, अगर कुछ दिन अपने रिश्ते को टाइम दे दो, तो कोई ऐसा ट्रिप, मुझे ये लगता है कि जब आपकी ज़िंदगी के अंदर व्लॉगिंग इतना ज़्यादा इशू क्रिएट कर रही हो ना, तो आप कुछ टाइम गायब हो जाओ, अपनी ज़िंदगी से गायब हो जाओ, उस व्लॉगिंग के रिश्ते से गायब हो जाओ, और अपनी ऑडियंस को बोलो कि भाई हम कुछ ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद हम 2-3 महीने बाद बाउंस बैक करेंगे। क्योंकि आप लोगों ने एक नाम अच्छा खासा बना लिया, आप अगर 2-3 महीने का 1 महीने का भी गैप लेकर अगर रिटर्न आते हो, तो इसमें कोई इशू नहीं होगा, आपको ऑडियंस उसी तरीके से जो है वापसी वेलकम कर देगी। ये मुझे पता है, ऑडियंस कर देगी वेलकम, लेकिन ये होगा कि उस 1 महीने के दरमियान सिर्फ आप और वो बंदा होगा जिसको आप समझ सकोगे, अपने बात कर सकोगे, अपने रिश्ते पे बात कर सकोगे, अपने रिश्ते को समझ सकोगे, और वो समझ गया होगा कि आपकी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में काम देगी, और वो अच्छा एक इम्पैक्ट आपके रिश्ते पे, एक हेल्दी रिलेशन बनेगा। उस हेल्दी रिलेशन को लेकर फिर आप व्लॉगिंग दोबारा शुरू कर सकते हो कि ठीक है, ये इनका एक कमाई का जरिया है, ये मुझे लगता है कहीं से इनका कमाई का जरिया, तो वो एक व्लॉगिंग आप शुरू कर सकते हो। लेकिन भाई, व्लॉगर्स को टाइम देना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी पर व्लॉगर की लाइफ जो ना बहुत ज़्यादा इंपैक्ट कर जाती है, इनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती है, लेकिन वो व्लॉगिंग नहीं छोड़ेंगे, अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, रिश्ता ख़राब कर देंगे, लेकिन व्लॉगिंग को नहीं थोड़ा सा बैक करेंगे कि भाई व्लॉगिंग बैक करके हम पहले अपने रिश्ते पर ध्यान दें, अपने रिश्ते को मजबूत करें, व्लॉगिंग हम दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आजकल के रिश्तों को, ये जो व्लॉगर्स आजकल के, इनको ज़रूरत है कि जब आपका रिश्ता ख़राब हो रहा ना, इनका रिश्ता कहीं ना कहीं व्लॉगिंग की वजह से ही बहुत ज़्यादा मेस्ड अप हुआ है, क्योंकि व्लॉगिंग में इनके रिश्ते के अंदर बहुत ज़्यादा, कभी कभार वो बोलता हुआ नज़र भी आया है कि हम जैसा दिख रहे हैं वैसा है नहीं, वो वैसा सब कुछ होता भी नहीं। उन्होंने अपने व्लॉग में खुद ही एक चीज़ एक्सेप्ट की कि हर वक्त जो चीज़ हम खुश दिखा रहे होते, यकीनन हमारे दरमियान कभी कभी ऐसा होता है कि बात भी नहीं चल रही होती, लेकिन एज अ व्लॉगर हमें सामने आना पड़ा होता है खुश दिखने के लिए, एक दूसरे से बात करते हुए। तो ये बहुत वजह है, बहुत बड़ी वजह होती है एक रिश्ते में दरार की। तो अब देखो ये क्या होता है, क्या नहीं होता। अब ये रिश्ता या तो ये बिग बॉस के लिए किया गया है सीन, क्या सीन है, या काफ़ी लोग कहते हैं कि दूसरे चैनल को चलाने के लिए भी है, क्योंकि बीइंग ऋषि जो चैनल है उसको चलाने के लिए भी ये ड्रामा करते हैं, ताकि वो एक हाइप मिले उस चैनल को और वो चैनल चलना शुरू हो, और उसके बाद फिर ये दोबारा अगेन एक जुड़ जाते हैं। अब ये क्या सीन है ये तो यही जानते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कमेंट्स मिलते हैं, लोगों की 100 बातें हैं, 100 चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी भी किस्म का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है, ना उन्होंने सेपरेट का बोला है, ना उन्होंने कभी उसको एक्सेप्ट किया है, और ना ही उन्होंने कोई चीज़ कही। लेकिन मेरी जो ना एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना उनको 7 देखा है जुलाई के मंथ में ना, यानी मुझे लास्ट महीना गुजरा है ना, वहाँ पर मैंने को दोनों को, हिमांशी को और ऋषि को, एक रिजॉर्ट में 7 देखा, और वो व्लॉग भी उसने अपलोड किया था हिमांशी ने, लेकिन उसमें उसने नहीं बताया था कि वो ऋषि उसके साथ है। तो अब ये क्या सीन है, वल्ला ये तो ये ही जानते हैं, और जब ये आएंगे अपनी कोई सच्चाई लेकर तो ही पता चलेगा। लेकिन जो बात थी, जो पॉइंट्स थे, मैंने कहा डिस्कस किया जाए। होप्स हो आपको अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बनता है चैनल को। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।